Hello friends, welcome to this lecture of HTML. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो HTML फाइल क्रिएट करते हैं वो वेब पेज में किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब HTML एलिमेंट्स के पोजीशन कैसे होते हैं, उनके पोजीशनिंग के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, HTML फाइल है, और HTML हमारा स्टार्ट होता है HTML टैग के साथ और एंड होता है एंड HTML टैग के साथ। HTML में दो सेक्शन रहते हैं, एक है हेड सेक्शन और एक है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में स्टार्ट होता है हेड टैग के साथ और एंड होता है हेड टैग के साथ। ऐसे ही बॉडी सेक्शन में स्टार्ट होता है बॉडी टैग के साथ और एंड होता है बॉडी टैग के साथ, मतलब एंडिंग बॉडी टैग। अगर इनके अंदर और कुछ भी हम एलिमेंट्स डालना चाहे और कुछ भी टैग्स यूज करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल या फिर इनलाइन लेवल। अगर ब्लॉक लेवल होंगे तो 100% विड्थ कवर करेंगे, अगर इनलाइन लेवल होंगे तो उनके कंटेंट जितना होंगे उतना ही वो स्पेस कवर करेंगे। इसको हम कुछ डायग्राम के जरिए इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिख रहा है कंप्लीटली, ये हमारा HTML है। HTML टैग के साथ स्टार्ट हुआ है और HTML टैग के साथ एंड हुआ है। इसके अंदर दो सेक्शन हैं, एक हेड सेक्शन जो कि हेड टैग के साथ स्टार्ट हुआ है और एंड हेड टैग के साथ एंड हुआ है। ऐसे ही बॉडी सेक्शन जो कि बॉडी टैग के साथ स्टार्ट हुआ है और बॉडी टैग के साथ एंड हुआ है, मीन्स एंडिंग बॉडी टैग। यहाँ पर हम जो कुछ भी कंटेंट डालेंगे या फिर एलिमेंट्स टैग्स, वो यहाँ पर उनका खुद का स्पेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि स्टार्ट हेड टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड हेड टैग, ये एक एलिमेंट है और ये 100% विड्थ कवर कर रहा है, तो हम इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरह से बॉडी भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हमारा HTML का स्ट्रक्चर वेब पेज में कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।